हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, जिनके भी फायर्स पे अकाउंट है और वो ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है एपीआई को कनेक्ट करना और ये देखना कि एपीआई कनेक्ट है, ऑर्डर लग रहा है नहीं लग रहा, ये उस बेस पे वीडियो है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा पहले एपीआई गेट कैसे करते हैं, फायर्स वालों से एपीआई लेते कैसे, उसके बाद कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर ऑर्डर कैसे डालते हैं। तो ये एक बेसिक है एंड मेरे को हर पर्सन के पास जाके ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं अब आपको ये वीडियो सेंड कर दिया करूंगा, आप इजिली आप इस चीज़ से सेम प्रोसेस करके एपीआई गेट कर सकते हैं, उसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं और फिर ऑर्डर लगा सकते हैं। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप एपीआई कनेक्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो, नहीं तो कोई भी प्रोसेस मिस करोगे तो एपीआई आपकी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, हमारी ये वेबसाइट है नेक्स्ट लेवल बॉट, आपको यहां पर आना है, अकाउंट बनाना है, रजिस्टर्ड अकाउंट कर लेना है एंड रजिस्टर्ड अकाउंट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, उसे लॉगिन कर लेना। ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि आपको वेबसाइट पे आना है, सबसे नीचे जाना है, इसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं फूटर। फूटर पे जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा सपोर्ट लिंक के अंदर, डाउनलोड एंड रिसोर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर वो रिसोर्स मिलेंगे या वो डाउनलोड की चीजें मिलेगी जो आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क में आती हो, जीरोधा हो, फायर्स हो, अपस्टॉक हो, एलेक्स ब्लू हो, कुछ भी हो। तो अभी हम फायर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे डाउनलोड एंड रिसोर्स के पेज पे गए। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए एपीआई का डैशबोर्ड। तो अगर आपको फायर्स वालों ने अकाउंट दे दिया है तो आपको क्या करना है, आपको ये दिख रहा है एपीआई डैशबोर्ड, इसके नीचे लिखा है फायर्स ओपन, आपको इस पर क्लिक करना है। मेरा ये डायरेक्ट लॉग इन हो गया, पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अगर आप लॉग इन नहीं हो तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अपने फायर्स की मेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, आपका लॉग इन हो जाएगा। तो आपको ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, बट मेरी एपीआई पहले से क्रिएट है तो मेरे को पूरी क्रेडेंशियल यहाँ शो हो रही है, आपको नहीं दिखेगी। आपको क्या करना है, आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लिखना है नेक्स्ट लेवल बॉट, ठीक है जी, मैं लिख देता हूं स्मॉल लेटर में, आपको नेक्स्ट लेवल बॉट लिखना है। उसके बाद यहां पर आपको डालना है रिडायर यूआरएल। अब ये कहां से मिलेगा, मेन थिंग, तो आपको क्या करना है, उसी पेज पे जाना है जो हमारा डाउनलोड एंड रिसोर्स का पेज था। मैं फिर से दिखा देता हूं, इस लिंक पे क्लिक करा था तो ये पेज खुला था। अब इसके अंदर है ना, यहां लिखा है मैंने रिडायरेक्ट यूआरएल, इसके अंदर आपको एक कॉपी बटन मिलेगा, सबके रिडायरेक्ट यूआरएल यहां पर दे रखे, पर आपको फायर्स का चाहिए तो आप फायर्स के नीचे कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब जाएंगे हम यहां पर एंड यहां पर जाके हम पेस्ट कर देंगे, मैं आपके सामने पेस्ट कर देता हूं, ये पेस्ट हो गया, यहां हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये ऑप्शनल है, इधर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ना कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने अभी क्रिएट पे क्लिक इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, तो हमारे सामने कुछ ऐसा बॉक्स दिखेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहां मेरे स्टेटस के अंदर लिखा है अप्रूवेड, आपके स्टेटस के अंदर लिखा होगा रिक्वेस्टेड, इसका मतलब आपके अभी रिक्वेस्ट करिए एपीआई अप्रूव्ड नहीं हुई। तो इसको करने के बाद आपको एक चीज करनी होती है, जब जाके आपकी एपीआई अप्रूव्ड होती है, वो भी मैं बता देता हूं आपको करना क्या होता है। आपको करना क्या होगा, आपको फिर से डाउनलोड के पेज पे जाना है, ये डाउनलोड एंड रिसोर्स के, एंड सबसे नीचे जाना है, यहां लिखा है एपीआई रिक्वेस्ट यूआरएल, यहां पर हमने एक बॉक्स दे रखा है फायर्स का जिसपे ओपन बटन डाल रखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप इनके गूगल ड्राइव के पेज पे पहुंच जाओगे, इन्होंने एक पेज बना रखा है डॉक फाइल का, जिसके अंदर आपको फायर्स की अपनी सारी डिटेल डालनी होती है एंड उसके बाद आपको करना क्या होता है, फायर्स की डिटेल डालने के बाद सबमिट करना होता है, देन ये आपकी एपीआई को अप्रूव्ड करते हैं, जो रिक्वेस्ट लिखा आ रहा है ना मेरे में, अप्रूव्ड लिखा आ रहा है, आपके में रिक्वेस्ट लिखा रहा होगा रिक्वेस्टेड, वो अप्रूव्ड करते हैं। तो इसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, आपको पहले तो अपने फायर्स की मेल आईडी डालनी है, यहां पर मैं डाल देता हूं xyz@gmail.com, ये एग्जांपल के लिए डाल रहा हूं, आपको अपने फायर्स की डालनी है एंड उसके बाद आपको अपना नेम डालना है जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फायर्स की डिटेल डालनी है, कुछ भी गलत होगा आपकी एपीआई अप्रूव नहीं होगी, पर्सनल यूज करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये चीज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज आएगा ये कि आर यू एग्जिट क्लाइंट, आप यहाँ के क्लाइंट हो, यस करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे क्लाइंट आईडी मांगेंगे, आपको अपनी क्लाइंट आईडी डालनी, कैपिटल में डालना, इस चीज को ध्यान रखना एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। तो ये आपकी जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी 24 आवर के अंदर ये आपकी एपीआई को अप्रूव कर देंगे, फिर आपके पास भी अप्रूव लिखा आएगा जो रिक्वेस्टेड लिखा आ रहा है। तो जब भी आप इस पेज को लॉग इन करोगे तो पेज पे जैसे लॉग इन करोगे तो आपको अप्रूव लिखा आ जाएगा, इसमें आपकी एपीआई अप्रूव्ड हो गई। पर आपकी एपीआई अप्रूव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, उससे पहले आपको एक काम और करना मैं बता देता हूं। ये हमारी वेबसाइट है, यहां पर आपने लॉग इन तो कर ही लिया होगा,
तो आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और अपनी एपीआई को हमारी वेबसाइट पे ऐड करना है। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने बटन दिखेंगे, काफी सारी डिटेल दिखेगी, एपीआई क्रेडेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिखेंगे कि आप एपीआई में क्या क्या ऐड करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लेवल बॉट, सारी चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा एंड कुछ भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो एपीआई ऐड नहीं होगी। फिर आप अपने एपीआई डैशबोर्ड पे जाएंगे और अपनी एपीआई आईडी को कॉपी करेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं ये चीज कॉपी कर ली, कंट्रोल कॉपी। एंड आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड पे जाना है दोबारा और यहां पर पेस्ट कर देना ऐप आईडी, ऐप की के अंदर। मैंने देख लीजिए कौन से बॉक्स में करा है। उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा एंड इसे कॉपी करूंगा सीक्रेट आईडी को, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूं एंड दोबारा गया। यहां पर मेरे को पब्लिक की के अंदर ये ऐड करनी है। ये चीजें ऐड करने के बाद टाइप के अंदर ध्यान रखना है, यहां पर आपको फायर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम फायर्स की आईडी कर रहे हैं, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो मेरे पास तो जरोधा की भी एपीआई है, फायर्स की भी है, अपस्टॉक की भी है, एलेक्स ब्लू की भी, सबकी एपीआई है। तो आपके पास तो नहीं होगी, तो मेरे में सबकी दिख रही है तो आपको दिख रहा होगा, बट आपको अपने फायर्स वाली कैटेगरी में जाना और देखना है कि आपकी एपीआई ऐड हो गई। तो जो हमने एपीआई ऐड करी है वो अभी ये वाली है, तीसरे नंबर की, और यहां पर एक क्रॉस का मार्क दिख रहा है, तो आपको इस पर वन टाइम क्लिक करना है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ये ग्रीन है। तो इसका मतलब हमारी तरफ से आपकी एपीआई एक्टिवेट हो गई है, ठीक है जी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, जब आपकी एपीआई यहां पर अप्रूव्ड हो जाए तो आप अपनी एपीआई को कनेक्ट कैसे करोगे वो समझा देता हूं, ठीक है जी। कि ऑर्डर लगा के देखोगे कैसे, तो जैसे मैंने बताया 24 आवर के अंदर अप्रूव्ड हो जाती है अगर आप मेरी वाली प्रोसेस करोगे, और अगर आप मतलब मेरी वाली प्रोसेस करते हो 24 आवर में आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। एंड फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कॉल कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर हमारा प्लान ले लेना है जो 499 का है, प्लस जीएसटी मिला के 520-521 रुपये बैठते हैं जो आज के टाइम पे बैठते हैं। तो ये आपको गेट मेंबरशिप ले लेनी है। उसके बाद आपका यहां पर माई एक्सपायर दिख जाएगा कि कितने दिन का आपके लिए प्लान है, ठीक है जी। अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते तो ये चीज वर्क नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं जो आगे की प्रोसेस दिखा रहा हूं। तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको एक्सचेंज पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप एक्सचेंज पे क्लिक करोगे आपको कुछ शो ही नहीं होगा क्योंकि आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो हमने एक्सचेंज पे क्लिक करा तो यहां पर हमें तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। ये पूछ रहा है हमसे कि आप कौन सा बॉक्स कनेक्ट करना चाहते हो, तो हम फायर्स कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कनेक्ट जब भी होगा जब हमारी एपीआई अप्रूव्ड हो जाएगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हमें इस फायर्स पे क्लिक करना है। जैसे हम फायर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा और इधर हमें लॉगिन आईडी भी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी एपीआई कनेक्ट नहीं होगी। तो मैं अपने फायर्स की आईडी डालता हूं, पासवर्ड डाल दिया एंड अपना मैंने पैन कार्ड डाला, आपके सामने डाल के दिखा रहा हूं। एंड उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एक चीज का आपको ढांचा मैं अब आपको बताता हूं। आपको ये सारी चीजें करने के बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, पासवर्ड इनवैलिड बोल रहा है, एक सेकंड में पासवर्ड सही डाल दूं नहीं तो ये ब्लॉक कर देगा। अगर मैंने 2-3 बार पासवर्ड गलत डाला ये ब्लॉक कर देगा। तो मैं पासवर्ड सबमिट कर देता हूं। जैसे मैंने सबमिट करा, ये क्या होगा, अगर हमारी एपीआई में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये पेज को कर देगा ब्लैंक, जैसे ये ब्लैंक कर दिया है। या अगर आपने हमारा एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा होगा तो ये ट्रेडिंग व्यू का पेज ओपन कर देगा, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज होगी। अगर एरर आता है, एरर मतलब अगर यहां कुछ लिखा आता है तो इसका मतलब आपकी एपीआई कनेक्ट नहीं हुई, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अभी ब्लैंक हो गया, इसका मतलब हमारी एपीआई कनेक्ट हो गई। अब हम ऑर्डर डाल के देख सकते हैं। तो ऑर्डर डालने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं इसे काट देता हूं। अब क्या करना, हमें बीटा सेंटेक्स के पेज पे क्लिक करना है। मैं बीटा सेंटेक्स का पेज क्लिक कर रहा हूं एंड दूसरा हमें अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। दो मैंने पेज खोल लिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर दो यूआरएल है, एक वेबहुक यूआरएल है, एक पेपर ट्रेडिंग यूआरएल है। जो वेबहुक यूआरएल है वो आपको रियल ट्रेड करने के लिए, जो पेपर ट्रेडिंग यूआरएल है वो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। दोनों में एल्गो यूज होता है। तो अभी हम रियल ऑर्डर डाल के देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल अकाउंट चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू का हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आपको उसमें जाना है और वहां आपको लिखना है कि आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल चाहिए। तो वहां पर एक अजय होगा, एडमिन है ग्रुप का, वो आपको उससे कांटेक्ट करना है। वो आपसे 150 रुपये लेगा
और आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल अकाउंट बना के दे देगा, जिसके अंदर आपको एक न्यू मेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है और आपसे 150 रुपए लेके अकाउंट बना के दे देता है। इसी तरीके से हर महीने आप उसे 150 रुपए दोगे, वो आपको ट्रायल अकाउंट बना के दे देगा। अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हो, वो आपका फ्री में बन जाएगा, बस आपको कार्ड ऐड करना होता है। ठीक है जी, जब भी आप ग्रुप में जाके आपको जो भी जानकारी चाहिए वो ले लीजिए। तो हमने पहले से ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लॉग इन कर रखा है, तो हमारे पास था, आपको भी करके रखना है। अब हमें ये देखना है हमारा ऑर्डर जा रहा है नहीं, तो हम अपनी एक कंडीशन डालते हैं। एज एग्जांपल के लिए आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, यहां से मैंने ली, आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपको यहां जाके हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट क्लिक करना है, एड अलर्ट करना है, जैसे मैंने करा। अब इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना मुझे, यहां जाके मेरे को वेब हुक यूआरएल है, यहां पर जाके मेरे को उस यूआरएल को ऐड करना है जो हमने अपने डैशबोर्ड से कॉपी करा था। मैं फिर से दिखा देता हूं, मैंने कहां से कॉपी करा था, यहां से कॉपी करा था, वेब हुक यूआरएल कॉपी करा, इसे कॉपी करना है और यहां जाके मेरे को ऐड कर देना है। ठीक है जी, अगर मैं इसे ऐड नहीं करूंगा मेरा ऑर्डर नहीं जाएगा। उसके बाद मुझे यहां पर जो ऑर्डर डालना है कि मैं करना क्या चाहता हूं वो मेरे को बताना है। तो मैं रेगुलर ऑर्डर डालना चाहता हूं, ये आपको फायर सेलेक्ट करके रखना है। ये बीटा सेंटेक्स का पेज है, जब इस पे क्लिक करा, जब ये पेज खुला है, तो हमने फायर्स पे रेगुलर करा। आप एज ए एग्जांपल कोई भी ऑर्डर डाल सकते हो, मैं दिखा देता हूं। मैं एसबीआई सेलेक्ट कर लेता हूं, एसबीआई सेलेक्ट करा, एनएससी के अंदर ऑर्डर डालना है, एक क्वांटिटी का ऑर्डर डालना है, बाय करना चाहता हूं। आप लिमिट ऑर्डर डाल के ट्राई कर लीजिएगा। एनपीआर होता है प्राइस रेंज, प्राइस रेंज क्या होता है, ये लिमिट ऑर्डर में होता है, कोई चीज 100 रुपए की चल रही है और मैं चाहता हूं मैं उसे 99 की लेना, तो हम वैसे नॉर्मली क्या करते हैं 99 डालते हैं जब हम मैनुअल ट्रेड करते हैं, पर 99 यहां डालने की जरूरत नहीं, हमें 1 पॉइंट डालना है जिससे 1 रुपए नीचे हो, ले करंट प्राइस से 1 पॉइंट डाला, जनरेट कोड, कोड जनरेट हो गया। अब इसे सेलेक्ट करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसे कॉपी बटन पे क्लिक करना, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम गए एंड हमने इस कोड को यहां पर डाल दिया, डालने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो ये ना वॉच का आइकन, वॉच के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा अलर्ट्स यहां पर शो होगा। मैं अभी आपको एक्टिव के अंदर दिखा देता हूं, हमारा अलर्ट्स हमें यहां पर शो हो रहा है कि हमारा ये अलर्ट्स बना हुआ है। एक मिनट, अलर्ट शो भी हो गया और टिगर भी हो गया गलती से, हाथों हाथ टिगर हो गया, तो टिगर होने पे अलर्ट आता है। मैं आपको ये प्रोसेस थोड़ी दोबारा करके दिखाता हूं, अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं एक्सचेंज में एक ऑर्डर भी चले गया होगा। ऑर्डर में जाते हैं एंड इधर जाते तो यहां पर एक ऑर्डर आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश, ये ऑर्डर देख लीजिए, हमारा एक ऑर्डर आ गया। अगर आपको ऑर्डर नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना, सेटिंग के आइकन पे जाना और रिफ्रेश क्लिक करना, ये ट्रेडिंग फायर्स का अकाउंट है तो बैकएंड में ऑर्डर लग जाता है, पर कई बार क्या होता है कि ऑर्डर दिखता नहीं है तो आपको रिफ्रेश करना होता है यहां जाके एंड रिफ्रेश, तो आपको ऑर्डर दिख जाता है वैसे बैकएंड में लगा हुआ। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारा बाय मिस्टेक हो गया, तो मैं इसे कैंसिल कर दूं। एक सेकेंड, कैंसिल करने के लिए मुझे वर्किंग ऑर्डर में गया मैं एंड इसे क्लिक करा एंड एक मिनट यस करा, आपके सामने मैंने ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं एंड जैसे कैंसिल होता है मैं आपको दिखाता हूं हो गया कैंसिल। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा था, मैं फिर से दिखा दूं, मैंने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी थी और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर मैंने कोड डाल दिया था, मैं दिखा देता हूं, यहां पर मैंने सब कोड वोड डाल दिया है। ठीक है जी, एंड उसके बाद मैंने यहां अपना वेब हुक यूआरएल डाल दिया, सेव कर दिया, तो ये मेरा एक अलर्ट्स बन गया है कि हाँ मेरी ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब भी कैंडल इससे टच हो तो मेरा ऑर्डर लग जाए, तो उसके लिए मेरे को वेट ना करना पड़े, मैं जानबूझ के टच करा दूंगा। और जब भी कोई कंडीशन हमारी मैच होती है, जो भी हम कंडीशन डालते हैं, इसकी भी मैं पर्टिकुलर वीडियो डालूंगा कि कंडीशन बनाई कैसे जाती है, तो जो भी हम कंडीशन डालते हैं उसका क्या होता है, वो जब ट्रिगर होती है तो यहां पर अलर्ट्स लॉग में वो चीजें शो होती है, तो हम जानबूझ के कंडीशन मैच करवाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं एंड ड्रैग करके आप कैंडल के फ्रंट पे ले जाते हैं और जैसे ही कंडीशन हिट होगी यहां अलर्ट्स आया आपके सामने, हम फायर्स पे गए एंड फायर्स के अंदर अभी ऑर्डर नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा कि वो रिफ्रेश करना पड़ेगा, बैकएंड में लग गया, जैसे रिफ्रेश करा आ गया। ठीक है जी, तो वो चीज आपको यहां पर दिख जाएगी, मतलब अब ट्रेडिंग व्यू पे जो भी होगा वो ऑर्डर लग जाएगा। तो ये तरीका है चेक करने का कि हमारी एपीआई कनेक्ट हो गई एंड हमारा ऑर्डर जा रहा है नहीं जा रहा। बाकी की चीजें ये एक बेसिक था, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी काम करके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फायर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं और काम कैसे करते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड और भी अदर लिंक मिल जाएंगे आपको जो आपके काम के हैं।
तो आप उनको यूज करके चीजें को कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में आके आप अपना मैसेज हमें कर सकते हैं, फोन नंबर भी मिल जाएगा। बस प्लीज एनीडेक्स डाउनलोड कर लेना, मैं आपको दिखा दूं, काफी लोगों को यही नहीं पता होता एनीडेक्स होता क्या है। तो मैं बता दूं, जो हमारा ये डाउनलोड एंड रिसोर्स का URL है, इसी के अंदर हमने एनीडेक्स और टीम व्यूवर का लिंक दे रखा है डाउनलोड करने का। आप जाके अपने हिसाब से, अपने PC के हिसाब से कर सकते हो। ये लिखा है ना एनीडेक्स, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड लिंक आ जाएगा आपको, एंड आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। देन हम आपके PC को कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।